माँ जी, आप किसी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, ढूंढ रही। किसको माँ जी? बेटा, इधर आ। बेटा, ये वंदना और वासु किसका नाम है? ये मेरे पिताजी और उनकी प्रेमिका का नाम है जो शहर से आई थी। उनकी प्रेमिका ने खुद ये नाम लिखा अपने हाथों से। मेरे पिताजी उनसे बहुत प्यार किया करते थे। वो रोज़ यहाँ आती थी। मेरे पिताजी उनको नाव में बिठा के घंटों नदी की सैर करवाया करते थे। बेटा, ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम? मैं उस समय बहुत छोटी थी माँ जी, और मेरी माँ भी दुनिया छोड़ के जा चुकी थी, और मेरे पापा मुझे बिठा के घंटों उनकी बात किया करते थे। तो अब कहाँ है तुम्हारे पिताजी? वो जो शहर वाली लड़की चली गई थी, उसके जाने के बाद पिताजी पागल से हो गए थे। एक दिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। अरे परदेसिया, आजा आजा, तेरी याद सताए। परदेसिया, आजा आजा, परदेसिया आजा आजा, परदेसिया आजा 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 आजा, आजा रे परदेसिया, आजा तेरी याद सताए, तेरी याद सताए। गाओ ना, रुक क्यों गए? मैडम जी, आपको उस पार जाना है क्या? हाँ हाँ, मुझे उस पार जाना है, ले चलो ना। तो आइए ना, आइए बैठिए, आइए। बैठिए मैडम, बैठिए। क्या नाम है तुम्हारा? वासु। और आपका? मेरा नाम वंदना। बहुत सुंदर नाम है आपका। जितनी सुंदर आप हैं, उतना ही सुंदर आपका नाम है। अच्छा वासु, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ पे है? यमुना किनारे मेरी झोपड़ी है, उधर से तो गाड़ी आई है आपकी। अच्छा, तो तुम वहाँ रहते हो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं अकेले ही रहता हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हें अकेले रहते हुए डर नहीं लगता रात में? किस बात का डर मैडम, यमुना मैया को याद करता हूँ और सो जाता हूँ। लीजिए, आपका किनारा आ गया। वासु, मुझे पकड़ के उतारना, मेरे से उतरा नहीं जाएगा। आइए। अच्छा, आप कहाँ रहती है वंदना जी? मैं कानपुर से, यहाँ नानी के घर आई थी 10 दिन के लिए। कल घर में पूजा थी, नानी ने कहा पूजा की सामग्री नदी में जाके प्रवाहित कर दो। अच्छा, कानपुर। बचपन में एक बार कानपुर गया था मैं अपने मामा के साथ, बहुत अच्छा शहर है। लेकिन यहाँ कितना अच्छा लग रहा है वासु,
शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग, एकदम शांत। यमुना की कलकल करती हुई धारा कितनी सुहानी लग रही है। मन करता यहीं रह जाए हमेशा के लिए। तो रह जाइए ना वंदना जी। लो। नहीं मैडम, रख लो। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। रख लो। अच्छा देना है तो सिर्फ 50 रुपए दीजिए। मेरे पास खुले नहीं है। मैं 10 दिन तक रोज आऊंगी यहाँ, तो मुझे सैर करवाना। ठीक है मैडम। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम जी। ड्राइवर मेरा इंतजार करना, मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। कैसे हो वासु? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आइए चलो। मेरी नाव आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। वासु तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुई अभी तक शादी? अरे मैडम जी, कौन शादी करेगा मेरे जैसे जंगली मल्हार से। इस जंगली मल्हार के साथ जो मजा है, ऐसा मजा और कहाँ है? मैं कुछ समझा नहीं मैडम जी। गहरी बात है वासु। वैसे ये जमुना जी की गहराई कितनी है वासु? उतनी ही मैडम जी जितनी गहराई आपकी बातों में है। वैसे पता है वासु, मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े, पर मैंने उन्हें शादी के लिए मना कर दिया। क्यों? क्यों मना कर दिया आपने? कोई लड़का मुझे पसंद ही नहीं आता। तो मैडम जी कैसा लड़का पसंद है आपको? मैडम जी आइए, किनारा आ गया। वासु मुझे तुम्हारा घर देखना है। मेरा घर? मेरा घर देख के क्या करेंगे मैडम जी? टूटी फूटी झोपड़ी है, चूल्हे पे खाना बनता है, थोड़ी सी जमीन है, खेती करके अपना गुजारा करता हूँ। बस मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे ले चलो। ठीक है चलिए।
आइए आइए, ये रहा मेरा हवा महल। वाह कितनी मस्त जगह है, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। तभी तो मैंने कहा कि यह हवा महल है, और बरसातों में तो ये कभी कभी जल महल ही बन जाता है। आइए। अरे वाह चूला, तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ अकेला रहता हूँ तो बना के खाना ही पड़ेगा। मुझे बना के खिलाओगे? हाँ क्यों नहीं, बताइए क्या खाना है, अभी बना के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दो, पानी ले आओ। ये लो पानी पियो। इस लोटे में कैसे पियूं पानी? मैं बताता हूँ। ऐसे। आई विल ग्लैड। मीठा है ना पानी? बहुत। अच्छा वासु मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ठीक है? नहीं थोड़ी देर और रुको ना, फिर किसी दिन। मैं खाना बनाता हूँ, खा के जाना। नहीं 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 बस मुझे सही, सीरियसली मुझे बहुत लेट हो रहा है। चलो ड्राइवर। वंदना, इस 5 दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल से ज्यादा पुरानी जान पहचान हो गई हमारी। कानपुर जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगी? हाँ शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं भूल जाऊंगी। क्या मतलब भूल जाओगी आप मुझे? मैं खुद को भूल जाऊंगी तुम्हारी याद। वासु भैया जो दीदी आपके घर नाव में घूमते घुमा करती थी ना, उनका ड्राइवर ये दे गया। वासु मुझको अचानक से कानपुर वापस आना पड़ रहा है, इसीलिए मैं नहीं आ सकी तुम्हारी नाव में सैर करने के लिए। और हाँ याद रखना मैं अपने 500 रुपए तुमसे जरूर वसूल करूंगी, तुम्हारी नाव में बैठ के घूमूंगी। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी, मेरा इंतजार करना और मुझे याद करना, मैं भी तुम्हें याद करूंगी। आई लव यू। तो बेटा
उन्होंने शादी कब की? उन्होंने शादी नहीं करी। क्या शादी नहीं की? फिर तुम? ये एक बहुत दर्द भरी कहानी है। बताओ ना, मैं सुनना चाहती हूँ। जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो मेरी माँ के पति ने उन पर लांछन लगा दिया और उनको घर से निकाल दिया कि ये बच्चा नाजायज है। मेरी माँ इसी नदी में कूद के अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उस नेक इंसान ने मेरी माँ को मरने से बचा लिया। लेकिन फिर भी मेरी माँ बच नहीं पाई, मुझे जन्म देते ही मर गई। तब से उसी इंसान को मैं पिता कहती हूँ। तब से उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। वो मेरे सब थे, माँ, पिता, चाचा, मेरी पूरी दुनिया थे। आप वंदना जी के ड्राइवर है ना? हाँ, मैं वंदना की नानी का ड्राइवर हूँ। वंदना को छोड़ने आता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, कई बार देखा है। वंदना जी नहीं आई? अब वो कभी नहीं आएंगी बेटा। क्यों, क्या हुआ उनको? उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई है लड़की। शायद बचना मुश्किल है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वंदना, 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 वंदना। लेकिन आप हमारा दुख सुन के रो क्यों रही हैं? बेटा, वो बदनसीब वंदना में आई थी। मैं ऐसे गई कि पूरे 30 साल बाद लौटी। तो वो एक्सीडेंट आपका हुआ था? मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं कोमा में चली गई थी। पापा मुझे लंदन ले गए क्योंकि वो वहीं रहते थे। ठीक होने के बाद पापा ने मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया। मैंने वासु को बहुत सारे खत लिखे, सालों साल खत लिखे, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। जब मेरा मन नहीं माना तो 30 साल बाद मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मैं यहाँ आई कि एक बार मेरी वासु से मुलाकात हो जाए, और मैं यहाँ चली आई वासु से मिलने। और यहाँ आके पता चला कि वासु इस दुनिया में ही नहीं है। तो आपके लिए मेरे पिताजी ने जान दी थी? जिंदा तो मैं भी नहीं हूँ बेटी, तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ? मेरे साथ, मेरे घर। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना कभी शादी की और ना घर बसाया। तुम अगर मेरे साथ मेरे घर चलोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वासु की कोई तो निशानी मेरे साथ है। चलोगी मेरे साथ? तो चलो बेटा।